नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। वो मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। मंगलवार के दिन बांद्री नगर के हनुमान जी मंदिर परिसर की भव्यता को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण न होकर बांद्री में हो रहा हो। मंदिर परिसर को भव्य लाइटों एवं फूलों से सुसज्जित किया गया था। नगरवासियों ने दीपों की सुंदर माला जैसे ओम के आकार सहित अन्य आकारों में दीप सैकड़ों की संख्या में प्रज्वलित कर सजाया था। मंदिर परिसर में लोकार्पण के शुभ अवसर पर भंडारे का विशाल आयोजन किया गया। लोकार्पण के दौरान भव्य आतिशबाजी भी की गई। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ठाकुर ने दर्जनों पंडितों के मंत्र उच्चारण के साथ शिव जी का भी सीख किया एवं कहा कि यह बड़े गौरव की बात है कि उज्जैन में आज महाकाल लोक का लोकार्पण किया जा रहा है और उससे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर उज्जैन के कार्यक्रम के प्रभारी हैं। कार्यक्रम उपरांत मंत्री प्रतिनिधि भंडारे में पहुंचकर कन्याओं को कन्या भोजन करवाया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण LED TV के माध्यम से बांद्री तिराहे पर एवं हनुमान मंदिर के सामने किया गया। कार्यक्रम का सफल आयोजन गढ़ परिषद के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह ठाकुर एवं CMO राजेश महदेले द्वारा किया गया। बांद्री से आनंद रजक की रिपोर्ट। पूरी जिम्मेदारी संभाली और आज फिर उज्जैन में महाकाल ने आज मौका दिया प्रभु ने, आज फिर पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो इन सब का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आपको जाता है क्योंकि आपने इतना अच्छा मजबूत नेतृत्व चुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताजा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।